यह 14 कारणों से सेक्स समस्या की शुरुआत होती है, यह मैं आपको आज बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, अकोला यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकत्व, लिंग में कठोरता नहीं आना, लैंगिक दुर्बलता, लैंगिक कमजोरी, ऐसे अनेक नाम से यह समस्या पुकारी जाती है या बोली जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं या इम्पोर्टेंस बोलते हैं। अब इसमें जो कारण है उसमें के 14 कारण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आप कौन सी इसमें बैठते हैं, यदि आपको तकलीफ है तो। नंबर एक तो सेक्स वर्कर के पास में जाते हो और वो सेक्स वर्कर आपको नीचा बताती है, कुछ तो भी कमेंट पास कर देंगी, तुम इतने मर्द नहीं हो, तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है, या तुमने ठीक नहीं किया, या जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो भी कमेंट पास कर देगी और बाद में आप वहां डाउन हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप हरी में कर रहे, जल्दी जल्दी करना है, समय नहीं है, कहीं भी चांस मिलता है, बगीचे में है, कहीं कमरे में है या कहीं होटल में गए, जल्दी करना है, कोई आ जाएगा, कोई पकड़ लेगा, तो ऐसे इसमें फिर दिमाग में सेक्स कम रहता है, टेंशन ज्यादा रहता है, तो उसमें फिर होता नहीं है। नंबर तीन, आप सेक्स करते वक्त कभी पकड़े गए और रेड हैंडेड पकड़े गए और तब से एकदम लिंग का तनाव चले गया, ऐसा भी हो जाता है और फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। नंबर चार, बहुत ज्यादा सेक्स किया, बहुत ज्यादा सेक्स करने के बाद में क्या होता है कि एक बार वो जोश, ज्यादा उत्साह, मन ऐसा पूरा भर गया तो फिर और उस समय सेक्स करने की कोशिश की, मतलब समझो दो बार सेक्स किया एक ही रात में, तीसरे बार करने की कोशिश कर रहे, इच्छा तो है मगर हुआ नहीं, और तब एकदम दिमाग को शॉर्ट बैठ जाता है कि अरे क्या हो गया, मैं आदमी में नहीं, क्या मेरा इरेक्शन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चौथा कारण है, ज्यादा सेक्स करना। नंबर पांच, यदि डिमांडिंग वाइफ है तो, जब पत्नी डिमांडिंग है, वो बोलती है कि नहीं मुझे सेक्स चाहिए, तो उस समय हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, उसकी समझो इच्छा रहती है नहीं रहती है, और उस समय यदि वो बोलती है कि नहीं सेक्स चाहिए तो वो प्रेशर आता है और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। नंबर छह, हस्तमैथुन किया हुआ है और इसके बारे में गिल्ट है, अपराध बोध की भावना है, गिल्टी लग रहा है कि मैंने हस्तमैथुन किया, अच्छा नहीं किया, हस्तमैथुन से मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कमजोरी आने वाली है, ऐसे हस्तमैथुन के बारे में गलत फहमियां हैं, तो ऐसा होता है। नंबर सात, जाहिरातबाजी, मतलब विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपने बचपन में गलती की होंगी और आप नपुंसक हो गए होंगे या आप में कमजोरी चली गई होंगी, तो डेफिनेटली हमारे यहां आइए, वीर्य का एक बूंद जो होता है वो खून के 80 बूंद के बराबर होता है और इसके लिए आपको कमजोरी आ सकती है वगैरह वगैरह, ऐसे जो जाहिरात आते रहते हैं तो उससे भी लोगों को कमजोरी आती है। आठ, सुहाग रात में प्रेशर, सुहाग रात में बहुत यदि प्रेशर रहा कि नहीं आज तो परफॉर्म करना ही है, और मतलब सहेलियां उसकी, लड़की की सहेलियां उसको बहुत सारा कुछ बताती रहती है, लड़के जो है उनके दोस्त लोग है वो उसको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है और उसमें फिर ज्यादा टेंशन, प्रेशर, डिमांड्स, ऐसे इसमें पहले रात को नहीं होता है और नहीं हुआ तो उसका फिर प्रेशर बन जाता है और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। नाइन्थ कारण, नौवां जो कारण है वह है फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक थकान आ गई है, शारीरिक टायर्डनेस, फिजिकल टायर्डनेस आ गया है और वो टायर्डनेस की वजह से बिल्कुल ही ताकत ही नहीं है और तभी भी आप सेक्स कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर दस, स्ट्रेस है, दिमाग के ऊपर तनाव है, बिजनेस का तनाव हो, फाइनेंशियल तनाव है, बहुत ज्यादा झगड़ा, झंझट, संघर्ष चालू है और उसमें फिर दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जगह पे नहीं है और तभी भी आप सेक्स कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ये हो गया दसवां कारण। इलेवंथ, शुगर, डायबिटीज मेलिटस, शुगर जब ज्यादा होती है तब कारण हो सकता है नपुंसकत्व का, और कभी कभी ऐसा होता है कि नपुंसकत्व आया करके शुगर टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि शुगर बढ़ी हुई है और उसका वो कारण है, तो डायबिटीज मेलिटस से होता है, मतलब मधुमेह से होता है। ट्वेल्थ कारण, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की दवाइयां, मतलब उच्च रक्तदाब या उसकी दवाइयां लेने से भी ऐसा होता है
क्या होता है कि उच्च रक्तदाब है, ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो अंदर का खून की जो वाहिनी रहती है, रक्तवाहिनी, खून की वाहिनी, उसके अंदर का जो स्तर रहता है वो मोटा हो जाता है, खून अंदर पहुंचता नहीं है इसमें लिंग में, और वहां से फिर प्रॉब्लम होता है। तो बीपी की दवाई या बीपी, ये हो गया 12th रीजन। 13th, 13वां कारण, शारीरिक बीमारी। यदि आपको कोई शारीरिक बीमारी है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या थकान बहुत, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है उसकी वजह से थकान आई हुई है, बुखार है, और उसमें फिर आप कोशिश करते हैं सेक्स करने का, पेटी ठीक नहीं है, समझो एसिडिटी हो चुकी है, बहुत फुला हुआ पेट है, तो ऐसी कोई शारीरिक फिटनेस नहीं है, शारीरिक बीमारी आई हुई है, उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। वहां यदि कोशिश करते तो वहां सेक्स होगा नहीं और आपको इम्पोर्टेंस आ जाएगा। ये हो गया 13th। 14th कारण है मानसिक बीमारी। यदि आपको मानसिक बीमारी है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस, मतलब डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, या और कोई बीमारी है, वो बीमारी की वजह से सेक्स की भावनाएं निर्माण नहीं होती, या साइकियाट्री की बीमारी है और उसकी दवा चल रही है तो उसके वजह से भी सेक्स सेंटर एक्साइट नहीं होता, तो ये हो गया 14वां कारण, 14th रीजन्स। तो ये ऐसे रीजन्स है कि जिसके वजह से नपुंसकत्व आता है, इम्पोर्टेंस आता है। तो ये रीजन हम यदि दूर करते हैं या उसके ऊपर कुछ काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद हो जाएगी और आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपने करना क्या है कि आपके सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। आप हमारे यहाँ फोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो ऑडियो कॉल से, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम काउंसलिंग करते हैं। हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑनलाइन कोर्स हम देंगे। हमारी ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, और ये माध्यम से आप आपका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।